द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डी एन ए विच डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपैप्टेन इज टर्म एज जेनेटिक कोल सबसे पहले ये क्वेश्चन है मेरा कि डीएनए कैसे बनता है डी एन ए बनता है न्यूक्लियोटाइड से जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो डिटरमाइन करता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कहाँ इन पॉलीपैप्टाइड चेन विच इज टर्म एज जेनेटिक कोल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक information from अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसेड ट्रांसलेशन की हमारी प्रोसेस होती है इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो जेनेटिक information होती है वो DNA से RNA में फ्लो होती है या फिर हम कह सकते हैं DNA से mRNA में फ्लो होती है अब जो process प्रोसेस है ट्रांसलेशन की उसमें क्या होता है जो mRNA होता है वो क्या बताता है वो प्रोटीन बनाता है ट्रांसलेशन में जो जेनेटिक information होती है वो ट्रांसफर होती है कहाँ से होती है वो ट्रांसफर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसडर ट्रांसफर होती है अब हम पढ़ेंगे कुछ साइंटिस्ट के नाम और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कि उन्होंने कैसे जेनेटिक कोड को डेसीफर किया डेसीफर किया यानी कि रीड करने में हेल्प की फर्स्ट था जॉर्ज गैमो अ फिजिसिस्ट हु प्रपोज दैट इफ फोर बेसिस हैव टू कोड फॉर ट्वेंटी अमीनो एसिड जैन जेनेटिक कोड मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बेसिस तो जो जॉर्ज गैमो थे ये एक फिजिसिस्ट थे जो कहते हैं अगर जो चार बेस हैं चार बेस कौन कौन से हैं एडिनाइन गुआनिन साइटोसिन एंड यूरेसिल अगर इन चार बेसिस को ट्वेंटी अमीनो एसिड के लिए कोड करना है तो जेनेटिक कोड क्या होगा जेनेटिक कोड एक तीन कॉम्बिनेशन uh, होगा तीन बेसिस का यानी कि वो ट्रिपलेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस अपर म्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ फोर टू दावर थ्री स फोर इंटू फोर इंटू फोर विल गिव सिक्सटी फोर कोल्ड लोन विच इज मोर देन ऑफ अमीनो एसेड तो जो जॉर्ज गेमो थे वो पहले मतलब अबो एकदम से उन्होंने निकाला नहीं होगा की हम बेसिस का ट्रिपले देंगे तो पहले वो सिर्फ एक फोर लेंगे अब अगर हम सिर्फ फोर फोर बेस लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो वो सिर्फ चार अमीनो एसिड बना पाएंगे लेकिन वो सिर्फ चार अमीनो एसिड के लिए कोड कर पाएंगे लेकिन हमें तो ट्वेंटी अमीनो एसिड के लिए चाहिए उसके बाद वो फोर इंटू फोर करते हैं तो इसमें क्या था इसमें सिर्फ सिक्सटीन कोडोन आते हैं तो सिक्सटीन कोडोन भी फिर सिक्सटीन कोडोन और ट्वेंटी अमीनो एसिड तो सिक्सटीन कोडोन कम पड़ गए ट्वेंटी अमीनो एसिड के लिए तो उसके बाद ट्रिपलेट निकालते हैं फोर इंटू फोर इंटू फोर जिसकी वजह से जो कितने कोडोन आते हैं सिक्सटी फोर कोडोन कोड करते हैं ट्वेंटी अमीनो एसिड के लिए सेकेंड जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे हरगोविंद खुराना ये क्या थे अ बायो केमिस्ट हु डेवलप अ केमिकल मैथड टू सिंथेसाइज आर एन ए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस दिस मॉलिक्यूल्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन डेफरिंग द जेनेटिक कोड हाँ तो जो हरगोविंद खुराना थे ये एक बायोकेमिस्ट थे और ये क्या बनाते हैं ये एक केमिकल मैथड डेवलप करते हैं आर एन ए मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस जिसमें कि उस आर एन ए मॉलीक्यूल में डिफाइंड सेट ऑफ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस होता है यानी कि एक डिप्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है बेस का दिज मॉलिक्यूल वर इंस्ट्रूमेंटल इन डेफरिंग द जेनेटिक कोड जो ये मॉलिक्यूल्स थे ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे किसको रीड करने में जेनेटिक कोड को रीड करने में अब थर्ड जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है मार्शल नारायनबर्ग अब बायोकेमिस्ट एंड जेनेट जेनेटिसिस्ट हु डेवलप अ सेल्फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस डेट हेल्प टू फाइनली टेसी फॉर देनेटिक कोड अब जो मार्शल नाइटवर्क थे ये एक बायोकेमिस्ट थे और जेनेटिसिस्ट भी थे तो ये एक सेल्फ्री सिस्टम बनाते ये प्रोटीन बनाने के लिए ही डेवलप अ सेल्फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथिस और इसलिए क्या ये ये भी हेल्प करता है किसमें जेनेटिक कोड को रीड करने में उसके बाद जो फोर्थ साइंटिस्ट थे वो थे सेवेरो ओखोआ अ बायोकेमिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड एंजाइम पॉली फॉस्फोरिलेज ये क्या करता है कि बायोकेमिस्ट है और ये एक एंजाइम डिस्कवर करता है जिसका नाम क्या था पॉलियो न्यूक्लोटाइड फर्स्ट फोरिलेज अलाउड हिम टू सिंथेसाइज आर एन ए विद डिफाइंड सीक्वेंस विदाउट द यूज ऑफ डी एन ए टेम्पलेट तो ये क्या बनाते हैं ये जो ये एंजाइम है ये इसकी हेल्प से एक आर एन ए मॉलिक्यूल बनाते हैं विदाउट यूज ऑफ डी एन ए टेम्पलेट फाइनली दे प्रिपेयर कोडोन फॉर अमीनो एसिड और एट लास्ट अमीनो एसिड जो ट्वेंटी अमीनो एसिड थे उनके लिए क्या हो जाता है कोडोन बन जाते हैं और जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड अब हमने जेनेटिक कोड की बात की हमने पढ़े किस किस साइंटिस्ट ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया अब उसके फीचर्स क्या है जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स ईच कोडोन इज ट्रिपलेट ऑफ बेस दे फोर कोडोन इन टोटल अब जो कोडोन है वो क्या है ट्रिपलेट है ट्रिपलेट ऑफ बेस टोटल नंबर ऑफ कोडोन सिक्सटी फोर है

एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है इसलिए हम इसे स्पेसिफिक भी कह सकते हैं कि नेचर में स्पेसिफिक होते हैं सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन हैंस द कोड इज डीजेनरेटेड कुछ अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कोड हो जाता है वो डीजेनरेट हो जाता है द कोडोन ऑन द एमआरएनए आर रीड इन द कंटीन्यूअस मैनर विदाउट एनी पपंचुएशन अब जो कोडोन होते हैं उनको हम एम आर एन ए पे कॉन्टिन्यूस मैनर में पढ़ते हैं यानी कि हम बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप ऐसा कुछ हम पंचुएशन मार्क यूज़ नहीं करेंगे उसके बाद जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल अब जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है एग्जाम्पल फॉर बैक्टीरिया टू ह्यूमन द कोड यू 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 रिफर्स टू फिनाइल एलानाइन दैट इज़ पी एच ई अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया से लेके ह्यूमस तक जो यू 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 कोड कोड है वो क्या रिफर करता है वो रिफर या फिर वो रिप्रेजेंट करता है फिनाइल एलानाइन को चाहे वो बैक्टीरिया में हो चाहे ह्यूमन में हो क्या रिप्रेजेंट करेगा और फिनाइल एलानाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा द कोडोन ए यू जी हैज डोल फंक्शन इट कोड्स फॉर अमीनो एसिड मिथायोनाइन एंड ऑल्सो स्टार्ट एंड इनिशियटिव कोडोन अब जो कोडोन है ए यू जी इट हैज डोल फंक्शन ये एक अमीनो एसिड मिथायन के लिए कोड करता है और सेकेंड ये एक स्टार्ट कोडोन या इनिशिएटर कोडोन में हम इसे कह सकते हैं यू ए ए यू ए जी एंड यू जी ए आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन जो यू ए ए यू ए जी एंड यू जी ए ये क्या है टर्मिनेटर कोडोन है ए यू जी क्या था इनिशिएटर कोडोन था और ये क्या है टर्मिनेटर कोडोन यानी कि स्टॉप कोडोन म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड म्यूटेशन हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में तो वहाँ पे हमने पढ़ा था म्यूटेशन एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन इसलिए मैंने ज्यादा ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे नहीं दिया है बस एग्जांपल दिया है एग्जाम्पल पॉइंट पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल्स सेल एनीमिया एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज सिस्टिक फेरोसिस नाउ टी आर एन ए द एडेप्टर मॉलिक्यूल टी आर एन ए इज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल ऑन वन हैंड इट रीड्स द जेनेटिक कोड एंड ऑन अनदर हैंड इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड टी आर एन ए को हम क्या कह सकते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल कह सकते हैं ये दो फंक्शन करता है पहला इट रीड्स जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड को रीड करता है और सेकंड इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ बाइंड होता है टी आर एन एज एंटी कोडोन लूप इट हैज बीन कॉम्प्लीमेंट्री टू द एम आर एन ए कोडोन एंड एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर इन वेयर इट बाइंड टू करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड जो टी आर एन ए है उसके पास एक एंटी कोडोन लूप होती है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है एम आर एन ए कोड के सेकेंडली एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड और इसके पास एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड होता है जो कि बाइंड करता है करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड के साथ इनिशियेट टी आर एन ए टी आर एन ए इज इसेंशियल फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन देयर इज नो टी आर एन ए फॉर स्टॉप कोडन स्टॉप कोडन के लिए कोई टी आर एन ए नहीं है एंड ऑल्सो कोड क्लोवर लीव स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्लोवर लीव स्ट्रक्चर ये क्या है ये टी आर एन ए और ये क्या है एम आर एन एम आर एन ए पे क्या होगा कोड टी आर एन ए पे क्या होगा एंटी कोड यह क्या है अमीनो एसिड अब हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन की पढ़ी थी वैसे ही ट्रांसलेशन की भी होती है ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड तो ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलीमराइजेशन इसमें क्या होता है कि अमीनो एसिड का पॉलिमराइजेशन होता है टू फॉर्म यानी कि अमीनो एसिड की लंबी चेन बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाई द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एम अब जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का ये कौन डिफाइन करता है इट इज डिफाइंड बाई द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एम जो एम पे बेसिस का सीक्वेंस होगा उसी के हिसाब से अमीनो एसिड का ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड आर ज्वाइंट बाई अ बॉन्ड विच इज नोन एज पैप्टाइड बॉन्ड अब दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी जो पैप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है देआर फॉर फर्स्टली इट सेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीपी एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टी आए एन ए बाई द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ टी आर एन एंड अमीनो एसिडाइजेशन ऑफ टी आर एन ए अब जैसे कि हमने बोला कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो इसलिए अमीनो एसिड पहले खुद एक्टिवेटेड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एटीपी के प्रेजेंस में अमीनो एसिड खुद एक्टिवेट हो जाता है और टीआरएनए के साथ लिंक हो जाता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टी आर या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टी सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि चार्जिंग ऑफ टी क्या होता है तो जब एक अमीनो एसिड टी के साथ लिंक होता है तो उसी को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टी

दो सब यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है हमने पढ़ा था कि दो टाइप के राइबोसोम होते हैं टाइप और 80S टाइप एंड फिर उसमें एक लार्ज सब यूनिट होती है एक स्मॉल सब तो राइबोसोम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लार्ज सब यूनिट ई पी ए लार्ज सब यूनिट होती है राइबोसोम की उसके अंदर तीन साइड होती है डेट इज ई पी ए अब ई पी ए मतलब क्या हुआ ई मतलब एग्जिस्ट पी मतलब पैप्टाइल एंड ए मतलब एडिशन फॉर बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड एंड बिकम क्लोज इनफ टू ईच द फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉप्ट पैप्टाइल बॉन्ड यानी कि अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए और एक पैप्टाइल बॉन्ड बॉन्ड बनाने के लिए जो लास्ट सब यूनिट होती है राइबोजोम की उसके पास थ्री साइड्स होती है जो कि मैंने अभी बताई दिया आपको और ट्रांसलेशन यूनिट इन एम आर एन ए इज़ द सीक्वेंस ऑफ आर एन ए ट्रांसलेशन यूनिट होती है एम आर एन ए की वो क्या होती है वो सीक्वेंस होता है आर एन ए का दैट इज फ्लैक्ड बाय स्टार्ट कोडोन एय एंड स्टॉप कोडोन एंड कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड जो ट्रांसलेशन यूनिट होती है एम आर एन ए की वो होती है सीक्वेंस ऑफ आर एन ए जिसकी अब फ्लैंक्ट यानी कि जो कि घेरे होती है स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन से एन एम आर एन एल्सो हैज समिशनल सीक्वेंसेज आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर रिफर्ड एज अन ट्रांसलेटेड रीजन अब एम आर एन ए के पास कुछ एडिशनल सीक्वेंस होते हैं जो कि अन ट्रांसलेटेड होते हैं या फिर हम नॉन ट्रांसलेटेड बोल सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं अन ट्रांसलेटेड रीजन यानी कि यू टी आर कभी कभी एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि वट आर यू टी आर यू टी आर्स आर प्रजेंट एट बोथ एंड बिफोर एट थ्री डैश एंड आफ्टर द स्टॉप कोडोन विच आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस अब जो यूटीआरस होते हैं ये स्टॉप कोडोन के बाद भी लगे होते हैं और स्टार्ट कोडोन से पहले भी लगे होते हैं आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ट्रांसलेशन स्टार्ट विथ थ्री स्टेप अब जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में थ्री थ्री स्टेप्स पढ़े थे इनिशिएशन इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन वैसे ही ट्रांसलेशन में भी थ्री स्टेप्स हैं इनिशिएशन इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन तो फर्स्ट इनिशिएशन है

अब जैसे ही अब प्रोसेस इनिशिएट हो गई तो उसके बाद वो इलोंगेट राइबोजो में इलोंगेशन फेज में पहुंच जाता है ड्यूरिंग इलोंगेशन स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कम्पोज ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू टी आर एन ए जैसे कि हमने बात की इलोंगेशन फेज में क्या होता है कि जो अमीनो एसिड होता है वो टी आर एन ए के साथ लिंक होते रहते हैं एप्रोप्रिएट कोडोन इन एम आर एन ए बाई फॉमिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद द टी आर एंटी कोडोन द राइबो मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलॉन्ग द एम आर एन ए जो राइबोजोम है वो कोडोन टू कोडोन मूव करता है अलॉन्ग विद एम आर एन ए अमीनो एसिड आर एडेड वन बाई वन ट्रांसलेटेड इन टू पोलीपैप्टाइड सीक्वेंस डिटेक्ट बाई डी एन एंड रिप्रेजेंट बाई एम आर एन ए अमीनो एसिड वन बाई वन एड होते हैं और ट्रांसलेट हो जाते हैं पॉलीपैप्टाइड सीक्वेंस में ये इनको डिटेक्ट इनको डिक्टेट कौन करता है DNA, और रिप्रेजेंट कौन करता है mRNA. लास्ट टर्मिनेशन स्टेज है एट द एंड द रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडोन यहाँ पे क्या होता है जो रिलीज फैक्टर होता है वो स्टॉप कोडोन के साथ बाइंड करता है टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम यहाँ पे अब जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस थी वो टर्मिनेट हो जाती है और जो एक पॉलीपेप्टाइड बना था जो प्रोटीन बना था वो कंप्लीट सिंथेसिस हो जाता है कहाँ राइबोसोम में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो राइबोसोम में होती है और जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस थी वो न्यूक्लियस में होती है ये डिफरेंस याद रखना अब देखो जैसे यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया ये है एम आर एन ए एम आर एन ए पर क्या है कोड और ये क्या है राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट लार्ज सब यूनिट में थ्री साइड्स है सबसे पहले ई e, उसके बाद पी और उसके बाद ए इसमें एक क्वेश्चन है कि जो पहला अमीनो एसिड आता है पहला अमीनो एसिड कहाँ आता है साइड पे आता है पहला अमीनो एसिड उसके बाद के जितने भी अमीनो एसिड है वो ए साइड पे आते हैं ये क्या है ये अमीनो